दोस्तों आज मैं कंपेयर करूंगा रॉयल इनफील्ड हंटर 350 के रेट्रो और मेट्रो मॉडल का और आपको ये बताऊंगा कि दोनों बाइकों में क्या अंतर है। सबसे पहले हम बात करेंगे इनके मॉडल और डिज़ाइन की। मैं आपको फ्रंट से दिखाना चाहूंगा इस बाइक को और आप देखेंगे ये है रॉयल इनफील्ड हंटर का मेट्रो मॉडल जो कि टॉप मॉडल है और आप इसको देखेंगे ये है रेट्रो मॉडल जो कि एक बेस मॉडल है। अगर हम अंतर की बात करें तो आप देखेंगे यहाँ पर एलॉय व्हील का अंतर है, यहाँ पर स्पोक व्हील आपको मिल रहे हैं, यहाँ पर आपको एलॉय व्हील मिल रहे हैं, यहाँ पर आप देखेंगे 110 mm का वाइड टायर है और यहाँ पर आप देखेंगे 100 mm का टायर इसमें आपको मिलता है। इसके अलावा 300 mm की डिस्क ब्रेक दोनों बाइकों में मिलती है, यहाँ पर कोई अंतर नहीं है। और यहाँ पर आप देखेंगे इसकी हेडलाइट में प्लेन आपको हैलोजन बल्ब मिलता है, पायलट हेडलैम्प नहीं मिलता है, लेकिन आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको पायलट हेडलैम्प भी मिल रहा है और इसमें आपको हैलोजन बल्ब मिल रहा है, लेकिन उसके ऊपर एक कवर लगी है जिस पर आर की ब्रांडिंग है, तो मतलब ये थोड़ा सा प्रीमियम लग रहा है। इंडिकेटर अगर आप देखेंगे तो इसमें आपको राउंड शेप में मिलते हैं, ये गोल हैं और यहाँ पर आप देखेंगे तो ये चौकोर से मिल रहे हैं। तो यहाँ पर फ्रंट में यही अंतर है और इसके अलावा अगर आप थोड़ा सा डीपली देखेंगे तो यहाँ पर जैसे इनके ये डिस्क ब्रेक में, इसके लीवर में, इसके मास्टर सिलेंडर में, यहाँ पर ये सारी चीज़ों में अंतर दिया गया है। इसमें आपको स्विच मिलती है पहले वाली, पुरानी वाली, थोड़ी सी बेसिक सी है और यहाँ पर आप देखेंगे इसमें आपको जो इनका मीटियोर मॉडल है उसका इसमें आपको स्विच मिल जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे आई बटन यहाँ पर दी गई है, तो यहाँ पर ये अंतर आपको मिलता है। इसके अलावा अगर आप मीटर देखेंगे तो मीटर में यहाँ पर आपको देखेंगे तो ये बेसिक सा एक मीटर मिल रहा है जिसमें आपको जैसे डिजिटल और एनालॉग मीटर मिल रहा है, लेकिन अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो इसमें आपको बहुत सारी सुविधाएं मिल रही हैं जैसे आई बटन से, और अभी इसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है कि नहीं ये चीज़ मुझे देखना पड़ेगा। जैसे मैंने ऑन किया तो इसमें अभी ब्लूटूथ कनेक्टिविटी नहीं है और नेविगेशन के लिए मैं अभी कंफर्म नहीं कर सकता हूँ क्योंकि इस चीज़ को भी कंफर्म नहीं किया गया है, तो इसके बारे में मैं आपको अभी नहीं बता सकता हूँ। फिलहाल अगर मैं साइड से डिज़ाइन की बात करूँ तो सबसे पहले मैं इसको स्विच ऑफ कर दूँ और अभी मैं साइड से आपको दिखाना चाहूँगा। ये है हंटर 350 का मेट्रो मॉडल जिसमें आपको ग्राफिक्स और कलर थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे मिलते हैं। यहाँ पर रॉयल इनफील्ड हंटर 350 लिखा हुआ है और यहाँ पर आप देखेंगे हंटर 350 लिखा है, लेकिन ये थोड़ा सा बेसिक है और इसमें शाइनिंग वाले सिंगल कलर आपको मिल रहे हैं, इसमें आपको ड्यूल टोन कलर भी मिल जाएंगे। और इसके साथ साथ जैसे आप सीट देखेंगे तो सीट का साइज वही है, लेकिन आप देखेंगे थोड़ा सा इनके डिज़ाइन में अंतर दिया गया है। इनके ग्रैब रेल में भी अंतर है, यहाँ पर आप देखेंगे, और ये प्लास्टिक का मडगार्ड है, ये भी, ये मुझे एल्युमिनियम का लग रहा है लेकिन शायद प्लास्टिक ही होगा, इसके बारे में अभी कंफर्म नहीं कर पा रहा हूँ। और बाकी इसमें आपको एलईडी बैकलाइट मिल रही है और इसमें आपको बल्ब वाली बैकलाइट मिल रही है, बाकी मडगार्ड ये सारी चीज़ें सेम है, सस्पेंशन सेम है और इनका जो साइलेंसर है वो भी सेम है। इसमें आपको सिंगल चैनल एबीएस मिलता है और 150 mm की ड्रम ब्रेक मिलती है, 120 mm का टायर मिलता है और इसमें आपको लगभग 240 mm की डिस्क ब्रेक मिलती है ड्यूल चैनल एबीएस के साथ और 140 mm का वाइड टायर आपको मिल जाता है। अगर हम बात करें इनके प्राइस की तो 1,93,000 रुपये इसकी प्राइस है, ऑन रोड प्राइस की मैं बात कर रहा हूँ, और 2,14,000 रुपये उसकी प्राइस है, तो लगभग 20,000 रुपये का दोनों बाइकों में अंतर दिया गया। तो 20,000 के हिसाब से उसमें आपको कलर, ग्राफिक्स, मीटर, सारी चीज़ें आपको उसमें ज़्यादा मिल रही हैं, उसमें आपको ड्यूल डिस्क ब्रेक, सारी चीज़ें उसमें आपको इससे थोड़ी सी बेटर मिल रही है, लेकिन कम कीमत में ये बाइक भी काफ़ी बेहतर है। बाकी जैसे आप ग्रिप कवर ये सारी चीज़ें देखेंगे, डिस्क ब्रेक को देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे तो इसमें कहीं कोई आपको अंतर देखने को मिलेगा ही नहीं, बिल्कुल सारी चीज़ें इसमें सेम है। और इंजन 350 सीसी वाला ही दोनों बाइकों में लगाया गया है, यहाँ पर कोई अंतर नहीं है। और इनकी अगर हम सीट हाइट की बात करें तो 800 mm दोनों बाइकों की सीट हाइट है और सीट हाइट में आपको अंतर देखने को नहीं मिलेगा, दोनों में सेम सीट आपको मिलती हैं। बाकी 349 सीसी का इंजन है, 20.2 एचपी की पावर है, 6100 आरपीएम पर 27 न्यूटन मीटर की टॉर्क है, 4000 आरपीएम पर 5 गियर दोनों बाइकों में मिल जाते हैं। 800 mm की सीट हाइट है, 150 mm इसका ग्राउंड क्लियरेंस है, 177 किलोग्राम इनका वजन है और 13 लीटर का पेट्रोल टैंक इसमें आपको मिल जाएगा, 30 से 40 तक की माइलेज मिल जाएगी। और प्राइस मैंने आपको दोनों बाइकों की बता दी है। अब आप लोग बताएं कि आपको यह रेट्रो मॉडल ज़्यादा पसंद आ रहा है या फिर मेट्रो मॉडल पसंद आ रहा है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आप अपने इस चैनल को राहुल वर्सेज मिंटू बाइक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो हमारी इस वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।